नंबर 1 और 2, और वहाँ पर कुछ कॉलम खड़े किए गए हैं जिन्हें पिंक सैंड स्टोन से कवर करके और खूबसूरत बनाया जाएगा। और वहीं पर टीन शेड भी बनेगा जो प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2 और 3 को एक साथ कवर करेगा, और यहाँ से ये बिल्डिंग पूरी तरह कवर होगी पिंक सैंड स्टोन से। ये डायरेक्शन है मेरठ और दिल्ली की, और यहाँ पर सामने इस स्टेशन की RRI बिल्डिंग है जहाँ से यहाँ के सिग्नल्स और पॉइंट्स को मैनेज किया जाता है, और यहाँ पर है प्लेटफॉर्म नंबर 5, और इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर ट्रैक मेंटेनेंस वाली मशीन्स ही खड़ी रहती हैं। नए सिग्नल्स यहाँ पूरी तरह काम कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि ये जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर सिग्नल्स हैं। सहारनपुर और रुड़की की डायरेक्शन में ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, और दाएं तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 रुड़की की डायरेक्शन में ख़त्म हो रहा है, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ये ट्रैक सीधे चला जाएगा रुड़की की ओर, और यही है देवबंद रुड़की नई रेल लाइन। यहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए तमाम इंतज़ाम कर लिए गए हैं। यहाँ से आप सभी प्लेटफॉर्म्स को आसानी से देख सकते हैं। सबसे बाएँ तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1, और जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, और सबसे दाएं तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 4, और उसके बगल में है प्लेटफॉर्म नंबर 5। जिस प्लेटफॉर्म पर मैं खड़ा हूँ इस प्लेटफॉर्म की लंबाई थोड़ी बढ़ाई गई।